ఫైర్స్ అండ్ ట్రస్ట్ 40 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా విద్యార్థిని విద్యార్థులను సాలార్జంగి ఆడిటోరియంలో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో సంస్థ యాజమాన్యం సన్మానం చేయడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ విద్యార్థులు మరెన్నో ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించాలని అన్నారు. आज के इस 40 साल जश्न फैज़ आम ट्रस्ट में जो मुनक़िद हुआ है यहाँ पर, मैं आप सब लोगों का इस्तकबाल करता हूँ. यहाँ पर हमारी चेयरपर्सन साहिबा फरुख परवीन जमाल है और दूसरे ट्रस्टी सेक्रेटरी जनाब अब्दुल हुसैन साहब हैं और एक ट्रस्टी है भरत यासमी और एक ट्रस्टी है डॉक्टर मखदूम मुजर. हम सब बहुत खुश हैं आज के, अल्लाह ताला ने ये दिन नसीब किया है और इस पर हम खिराज पेश करना चाहते हैं उस फाउंडर इस अजीम शख्सियत को जिसने ये ट्रस्ट शुरू किया इस सोच के साथ के हुकूक़ लिबाद का जो मामला है वो पूरी तरीके से अदा हो जाए, अल्लाह कबूल करे. क्योंकि सब तो अपने लिए जीते ही हैं लेकिन दूसरों के लिए जीना भी बहुत बड़ी इबादत है. उस काम को देखते हुए, उस नज़रिए को देखते हुए उन्होंने ये ट्रस्ट कायम किया आज से 40 साल पहले. और हमारा मकसद यही था कि हम तालीम मुहैया करें हमारे जितने भी पसमानदगान हैं, जो पिछड़े हुए तबकात हैं, जो गरीब लोग हैं, जो तालीम हासिल नहीं कर सकते, उनको तालीम दी जाए. क्योंकि वही एक ऐसा हथियार है तालीम, जिसके ज़रिए से हम न सिर्फ अपनी अपने घर वालों की, अपने शहर की, बल्कि अपने मुल्क की तरक्की में हम हिस्सा ले सकते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ आम ट्रस्ट ने हैदराबाद और औरंगाबाद में कई ग्राह खदर खिदमात अंजाम दी हैं. औरंगाबाद में एक 20 बेडेड का हॉस्पिटल उन्होंने शुरू किया था और एक ऐसे इलाके में शुरू किया था जहाँ पर कोई ज़राए नहीं थे, वहाँ पर उन्होंने शुरू किया और माशाल्लाह से काफ़ी कई लोग वहाँ से मुस्तफ़ील हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं. इसी तरीके से हैदराबाद में भी तालीम पर हमने भरोसा किया, तालीम पर हमने उसका सहारा लिया और यहाँ पर हमने कई एक डॉक्टर्स इंजीनियर्स को हमने यहाँ पर बनाया है. लेकिन मैं समझता हूँ कि एक चेंज ऑफ माइंडसेट होना चाहिए हर एक के पास कि वो किस तरीके से कुछ बनकर, कुछ काम करके, कुछ मेहनत करके, कुछ अपना मुकाम पैदा करें ताकि हम इस फॉर्म को आगे बढ़ा सकें. मुसलमानों में ख़ास तौर से ये चीज़ की कमी है. तो मेरा भी मैसेज यही है लोगों के, जो भी इसके ज़रिए से सुन रहे हैं और देख रहे हैं, कि वो तालीम को नुमाया करें, अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाए और उसके ज़रिए से पसमानदगी जो हमें है उसको दूर करें. शुक्रिया. सभी लोग आपको मिलते हैं, अल्लाह ताला इन्हें सेहत दे और उम्र दे. थैंक यू वेरी मच. मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर लोग साथ आते. अल्लाह की बरकत. हाजरीन कराम, फैज़ आम ट्रस्ट की जानिब से फैज़ के ये 40 साल आपके जज्बे, हुकूक़ लिबाद और इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह की मरहूनी मिन्नत है. आपके इस जज्बे ईसार की दास्तान फैज़ की तारीख के सुनहरे औराक पर नक्श हो रही है और फैज़ आपके इस जज्बे इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह को सलाम पेश करता है. फैज़ आम ट्रस्ट गरीब यतीम बेवाओं और ज़रूरतमंदों की एक उम्मीद का नाम है. फैज़ आम हर कौम के लिए बिला लिहाज मजहब व मिल्लत हर ज़रूरतमंद की मदद का नाम है. फैज़ आम आज हिंदुस्तान की हर रियासत जहां कहीं भी कोई आफत समावी फसादात से मुतासिर होते हैं, इनकी उम्मीद की नज़र है फैज़ आम. फैज़ आम ट्रस्ट का क़याम 1982 में अमल में आया और इस साल इस ट्रस्ट के 40 साल पूरे हो रहे हैं.
इन 40 सालों में फैज़ आम ने अनगिनत ऐसे काम अंजाम दिए हैं कि पूरे मुल्क में अपनी एक छाप छोड़ने में कामयाब हुए हैं। पदरे के फैज़ आम का ख़याम जनाब ज़ुल्फ़िकार हुसैन ने औरंगाबाद में अमल में लाया था। 1982 में औरंगाबाद में एक हादसे में खानदान जो एक मकान का छत गिरने के बाद 7 लोग इसकी जद में आ गए थे और तकरीबन 5 बच्चों के माँ और बाप इस हादसे में जाँ बहक हो गए। इस दर्दनाक मंजर और दिल को दहला देने वाले वाकये ने जनाब ज़ुल्फ़िकार हुसैन साहब को झिंझोड़ कर रख दिया और उन्होंने तभी इरादा कर लिया था कि वो इन यतीमों की किफ़ालत के लिए एक इदारा कायम करेंगे और इनकी हर तरह की मदद करने का फैसला किया और ये इदारे का क़याम अमल में लाया। मोहतरमा मदर टेसा ने भी फैज़ आम ट्रस्ट के कामों को सराहा और एक मुख्तसर नोट तहरीर करते हुए फैज़ आम और ज़ुल्फ़िकार हुसैन की कोशिशों को सराहा। वो नोट स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आप इसका मुशाहदा कर सकते हैं। 13 फरवरी 1992 को आंध्र प्रदेश के गवर्नर कृष्ण कांत ने भी फैज़ आम ट्रस्ट के अवाम के लिए किए जाने वाले कामों की सताइश की और राजभवन से एक तहरीर लिखते हुए फैज़ आम के बारे में अपने तासुरात पेश किए जो आपके लिए पेश किया जा रहा है। 8 अगस्त 1991 को कर्नाटक के गवर्नर खुर्शीद आलम खान ने भी फैज़ आम ट्रस्ट की तारीफ करते हुए एक तहरीरी नोट राजभवन बेंगलुरु से तरसील किया जो आप देख सकते हैं। 1991 में उस वक्त के मरकजी वज़ीर दाखला SB चावन ने भी फैज़ आम ट्रस्ट की जानिब से गरीब व मुतवस्सित अफराद में उनकी ज़रूरत के मुताबिक ज़रूरियात को पूरा करने पर फैज़ आम की तारीफ की और इनके कामों को सराहा। उस वक्त का नई दिल्ली से जो तहरीर आई थी वो भी पेश की जा रही है। 26 अगस्त 1991 को शरद पवार उस वक्त के मरकजी वज़ीर दिफा ने फैज़ आम की सोशल सर्विस के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। CK जाफर शरीफ मिनिस्टर ऑफ रेलवे 1992 में चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश जनार्दन रेड्डी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र सुधाकर राव नायक ने भी फैज़ आम ट्रस्ट और ज़ुल्फ़िकार हुसैन के कामों की तारीफ में तहरीरें पेश किए हैं। 26 अगस्त 1982 को औरंगाबाद में एक दर्दनाक वाकया हुआ और यही वाकया इस इदारे की बुनियाद का सबब बना है। इस तारीख को औरंगाबाद की गुंजान आबादी चौक में एक